Hi students, welcome at KitKat Digital Learning. I'm your science teacher. Today I'm presenting you lecture number 1, Human Beings, from your book Wonder of Science, class 3, published by Oxford University Press. Human beings have different organs which perform different functions. Some of them are discussed here. Our first topic is lungs. The lungs are the organ which perform the function of respiration. This is the process by which we take in oxygen and give out carbon dioxide. Lungs, lungs यानी कि हमारे फेफड़े जितना जो हमारा रेस्पायरेशन का अमल चल रहा है यानी जो हमारा सांस लेने का अमल चल रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है ये हो रहा है हमारे लंग्स के थ्रू इस प्रोसेस पे यानी कि सांस लेने के प्रोसेस पे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने माउथ के थ्रू बाहर निकालते हैं गिव आउ सेकेंड हज हार्ट द हर्ट इज़ द पम्पिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी इट फॉम्स द ब्लड और पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रो वीन्स एंड ऑर्टरीज हर्ट हमारी बॉडी का पम्पिंग स्टेशन होता है यानी कि हमारे जिसम में जो खून का दौरान यह चल रहा है ब्लड सर्कुलेशन चल रही है हमारा खून पूरी बॉडी पर घूम रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है हार्ट की वजह से विन्स यानी कि रगे ये किस काम आती है हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड है ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाला ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वीन्स का काम क्या होता है वो उसको दिल तक पहुंचाती है वो वाला खून हमारा दिल में जाता है वीन्स के थ्रू और आर्टरीज़ का क्या काम होता है हार्ट से ब्लड लेके हमारे पूरी बॉडी को पहुँचाना यानी कि ये ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होता है वीन्स आर्टरीज़ दोनों की मदद से हमारा ब्लड जो है वो ऊपर नीचे सर्कुलेट हो रहा है यानी वो पूरा घूम रहा है हमारी पूरी बॉडी में और थर्ड टॉपिक इस किडनी किडनीज़ यानी कि गुर्दे हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है किडनीस एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं हमारी बॉडी में जितना हमारी बॉडी का वेस्ट मटीरियल होता है वो ये किडनीस उनको बाहर निकालती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यूरिन के थ्रू में जो है यूरिन uh, के थ्रू जो है हमारा जितना भी बॉडी का वेस्ट मटीरियल होता है वो बाहर निकल जाता है और ये सब पॉसिबल है हमारी किडनीज़ की वजह से फोर्थ लास्ट ऑपिक एज द डायस्टिव सिस्टम निज़ाम हाजमा क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है हमारा डायजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा जो हाजमे का निज़ाम है जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे खाने को डील करता है और ये सब कैसे होता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बायोच द फूड ईट डाउन इन टू अर फॉर्म एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी डाइजेशन के अमल में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है यानी वो बहुत बिल्कुल ब्रोक हो जाता है टूट जाता है तो फिर जब हमारा खाना अंदर जाके मज़ीद टूटता है तो उससे हमारी बॉडी को तो मिलती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गेट्स और, और भी इन्वॉल्व हैं आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर है कलेट लिवर स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन एंड एडस ये हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में इंक्लूड होती है सबसे पहले हमारा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पर होता है वो आज हम पढ़ेंगे और हमारे खाने के साथ माउथ से लेकर क्या होता है तो वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो खाना हम चबाते हैं यानी हम कुछ भी खाते हैं वो हमारे सैलमा में मिक्स होता है यानी हमारे थूक में मिक्स हो जाता है वो खाना फिर हमारी टंग यानी कि हमारी जबान उसको स्वेलो करने में यानि उसको निगलने में मदद देती है फिर हमारा खाना जाता है हमारे गिलट में यानि हमारे ग़ाई नाली में जाता है फिर उस गिलेट से क्या होता है उस गिलेट से होता है ये है कि हमारा खाना नीचे स्टमक तक जाता है स्टमक हमारा जो पैदा होता है हमारा खाना वहाँ पर जाता है उसके बाद The movement of the stomach muscle कन्वर्ट the food into a paste and it enters the small intestine. जो हमारे स्टमक के मसल्स होते हैं वो हमारे फूड को एक पेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं यानी उसको मज़ीद पीस देता है हमारा मैदा हमारे खाने को वो एक पेस्ट की सूरत में आ जाता है वो बिल्कुल पतला हो जाता है फिर हमारा खाना जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि हमारी छोटी आँत में उसके बाद द स्मॉल इंटस्टाइन ब्रेक डाउन फूड इवन मोर स्मॉल इंटस्टाइन हमारी हमारा जो पेस्ट हमारा जो मैदे से छोटे आंत में गया उसको मजीद पीस देता है उसके बाद हमारा खाना जाता है लार्ज इंटस्टाइन पे लार्ज इंटस्टाइन का काम क्या होता है जितना भी हमारा खाने में वाटर होता है जितनी भी ईत होती है वो सब एब्ज़ॉर्ब हो जाता है हमारी पूरी को पूरी बॉडी को तो मिल जाती है और फिर हमारे एन के थ्रू जो है वो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जितना सॉलिड मटेरियल होता है वो सारा आउट हो जाता है यानी जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है सारा निकल जाता है सो डियर स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट टू लेक्चर होप यू एन्जॉय एंड लेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ Today's topic, don't forget to find answers of these questions and find and write answers of the question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks. As total 10 marks in your final time exam based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye-bye.